हरण महादेव, मैं उत्तिकांत, आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। इस वक्त देवाधि देव महादेव की नगरी सिंहेश्वर स्थान में पहुंचे हैं। हमारे पीछे आप यहां पर भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी है और आज सुबह से ही 1 बजे से जब से ही पट खुला यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी। एक बार आप कैमरा को पूरे भीड़ पर घुमाइए कि जो भीड़ पिछले सोमवार को भी यहाँ नहीं दिखी थी उससे भी ज्यादा भीड़ इस बार देवाधि देव महादेव की नगरी में पहुंची हुई है। जो श्रद्धालु है बाहर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि देवाधि देव महादेव की नगरी में मधेपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के जो कई जिले हैं उनसे श्रद्धालु आते हैं। यही नहीं, नेपाल से, भूटान से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है तो ईश्वर महादेव की जो मंदिर है, मनस्कामना मंदिर है, मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पे श्रद्धापूर्वक आते हैं, श्रद्धापूर्वक महादेव का पूजा करते हैं, तो उनकी जो भी इच्छाएं होती है, जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। इस बार काफी अलग दिख रहा है सिंहेश्वर स्थान, क्योंकि इस बार सिंहेश्वर स्थान को जो सजाया गया है, जो सजाने का इनका तरीका है, जो प्रशासन ने सजाया है वो आपको हम दिखाते हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे फ्लैक्स लगा हुआ है सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति सिंहेश्वर का। और सबसे खास बात इस सोमवारी को ये है कि एक होर्डिंग लगाया गया, एक लाइट होर्डिंग लगाया गया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आई लव महादेव, मतलब बिल्कुल अनोखे तरीके से सजाया गया है। और ये होर्डिंग जो लगाया गया है ये युवाओं के लिए, जो यहाँ के युवा आ रहे हैं पूजा करने के लिए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युवा यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग इस बार बनाया गया है चीजों को। काफी युवा है बाहर से आए, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और महादेव से क्या मांगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी आप? धमदा से। धमदा, पूर्णिया धमदा से आए। कब आए यहाँ पे? अभी थोड़ा देर पहले, एक घंटा पहले आए। क्या सब मांगे महादेव? पूजा हो गया? पूजा हो गया, जो मांगे वो मिल जाएगा। तो क्या मांगे वो तो आपको बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, देखिए युवा है तो दो ही चीज मांग सकते हैं, या तो नौकरी, दूसरा बोलेंगे नहीं जी। उसमें से क्या मांगे आप तो समझिएगा। चलिए सही है। आपका क्या नाम है? अंशु कुमार। आप कहाँ से आए? हम भी धमदा से आए। क्या चीज से आए आप लोग? फोर व्हीलर से आए हैं। अपना गाड़ी लेके आए हैं? कितने बजे आप पहुँचे यहाँ? करीब 3 बजे के आसपास। पूजा किए? हाँ, पूजा कर लिए। यहाँ के बारे में क्या आपको अच्छा लगा यहाँ? इस बार आए, पिछले बार आए थे सिंहेश्वर? हाँ, इससे पहले हर एक साल आते हैं। इस बार क्या अच्छा लगा यहाँ? इस बार का डेकोरेशन सबसे मस्त है। डेकोरेशन अच्छा लगा, और भी सुविधाएं हैं। सुविधाएं दिखी है? हाँ, दिख रहा है सुविधा दिख रहा है। तो जो युवा थे इन्होंने अपनी बात बताई, जो बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं देवाधि देव महादेव की नगरी सिंहेश्वर में, और लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। डाक बम भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं बड़ी संख्या में, जो डाक बम है वो यहाँ पहुंचे हैं। इस बार भी पिछले सोमवार की तरह महिलाओं की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है। आपको हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, एक बड़ी कतार लगी हुई है, जो श्रद्धालु है कतारबद्ध होकर जो है बाबा को जलार्पण करने के लिए जा रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं काफी सुदृढ़ दिख रही है, पिछले बार से काफी कुछ बदलाव इस बार जो है सिंहेश्वर में हुआ है। एक तो सबसे बड़ा बात क्या है, जो पंडाल को कवर किया गया है कि अगर पानी पड़ता है तो श्रद्धालु भीजे नहीं, इसका खास ख्याल रखा गया है। पंखा लगाया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है, जो प्रशासन के लोग हैं लगातार मुस्तैद हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसका खास ध्यान रखा जा रहा है इस बार सिंहेश्वर स्थान में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंहेश्वर में इस बार जो दूसरी सोमवारी हम लोग देख रहे हैं, श्रद्धालु में युवाओं की संख्या काफी है, जो युवा लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। डाक बम है और सबसे महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी जा रही है। अब तक बताया गया कि 3 से 4 लाख जो श्रद्धालु है वो इस बार जो है सो इस सोमवार को जल चढ़ाए हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे भी आपको वीडियो कॉल करेंगे, बच्चे को देखिए, इन लोगों में उत्साह है कि आज सोमवारी है तो आज बाबा को जल चढ़ाना है। काफी उत्साह के साथ ये लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। एक भीड़ आप एक दिखाए पीछे में, जो श्रद्धालु किस तरह कतारबद्ध होके बाबा को जलार्पण करने के लिए, कोई आपाधापी नहीं है, एकदम आराम से लाइन लगा के सभी लोग जो है तो जलार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
कहीं आप वीडियो के माध्यम दे सकते हैं। अब खास करके आप प्रशासन ने जो इस बार व्यवस्था किया है काफी चुस्त व्यवस्था है, मतलब जो लोग बाहर जा रहे हैं कोई परेशानी उनको लिए नहीं हो, कोई परेशानी खड़ी नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। सिपाही पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, खासकर मजिस्ट्रेट भी यहाँ लगाए गए हैं कि किसी भी तरह से अगर इस तरह की बात होती है तो उसको संभाला जा सके। आप पीछे देखिए लाइन में जो कतारबद्ध श्रद्धालु है, युवाओं की संख्या काफी दिख रही है। आपको एक व्यक्ति जो यहाँ सेवा दे रहे हैं खासकर उनसे हम मिलवाते हैं, एक व्यक्ति हमारे साथ सिंहेश्वर के कुछ समाज सेवी है और अक्सर जो है समाज सेवा के क्षेत्र में इनको देखा जाता है। बड़ा भीड़ इस बार देखते हैं हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये मनोकामना लिंग है और आज जो जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, लगभग 3 लाख के पार बाबा का जलाभिषेक हमारे श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने की संभावना ऐसी दिखाई पड़ती है। लगातार आप सेवा में देखते लगे हुए हैं। ये हम लोग तो हर साल सिमरिया घाट से गंगा जल मंगा के यहाँ पे श्रद्धालुओं को बाबा को चढ़ाने के लिए ये निःशुल्क गंगा जल का व्यवस्था हमारे तरफ से किया जाता है। ये आपकी तरफ से किया जा रहा है जी? कहाँ से मंगवाते हैं गंगा जल? सिमरिया घाट से। एक बात और विशेष बात देखने को मिला है कि प्रशासन जो इसमें व्यवस्था की है लोग काफी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा जो प्रशासन की व्यवस्था है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रशंसनीय है, जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार आपको हम पीछे ले चलते हैं, पीछे आप देखिएगा जो वीडियो में कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है तो सुबह 5-6 बज रहा है और अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जलार्पण कर चुके हैं, इसके बावजूद लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आप विजुअल के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। महादेव के प्रति जो आस्था है वो छलक रहा है। पूरा का पूरा सिंहेश्वर का जो नगर है, महादेव दिवाली जी महादेव की जो नगरी है, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्था है, जो युवक है उन्होंने एक संस्था बनाकर यहाँ पर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ दिख रहा है युवा संघ करके इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है, युवा संघ करके इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है, युवा संघ सिंहेश्वर करके, इनसे हम बात करते हैं। क्या है ये युवा संघ सिंहेश्वर? युवा संघ एक सोशल संस्था है जो जिला प्रशासन के द्वारा सावन के महीने में और महाशिवरात्रि में उनके द्वारा वॉलंटियर के रूप में माना जाता है। जो हम लोग यहाँ लोकल जितने भी लड़के हैं और बाबा के प्रति जितने समर्पण भाव से रहते हैं, विगत लगभग 10 वर्षों से इसके पीछे भी होते आ रहा है और हम लोग 10-12 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। मतलब आप लोग का मेन काम क्या होता है, क्या करते हैं? मेन काम है अच्छे ढंग से लाइनिंग करके श्रद्धालु का पूजा पाठ करवाना, जो भी भगदड़ ना हो इसके लिए हम लोग को रखा गया और प्रशासन के साथ हम लोग इसका हैंड टू हैंड मिला करते हैं। टीम में कितने लोग हैं आपके? मेरे टीम में टोटल 55 है, लेकिन अभी 40 ही लगे हैं जो दो पार्ट में कर, एक बजे से हो गया जब बाबा का 1:30 बजे पार्ट खुलता उस समय से, फिर सेकेंड 8 बजे से रहता। 1 बजे सुबह से कितने बजे तक करते हैं? 1 बजे? 1 बजे सुबह से कितने बजे तक? 1 बजे सुबह से एक टीम 8 से 2 तक रहती है और सेकेंड टाइम में 9 से 1 बजे तक। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, भीड़ कैसा है? भीड़ आज रहेगी इसलिए कि आज शाम से मलेमास हो रहा है, इसलिए आज भीड़ रहेगी। आज भीड़ रहेगी, आप लोग भी तैनात है, भीड़ को संभाल लेंगे? भीड़ संभाले, पूरे तनमन से पूरा तैनात है।
है ना। चलिए तन मन से तैनात है महासिंहेश्वर की जो युवा है वो तन मन से तैनात है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी होती है तो ये लोग खड़ा है कि जहाँ भी लगे कि हाँ ये मदद की आवश्यकता है तो मदद करने के लिए तन मन से ये लोग तैयार है। खबरें आपसे पहुंचाते रहेंगे, हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लेंगे तो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेंगे।